ठंड में अमीर और गरीब की रजाई। अरे भैया, ये कैसी कैसी रजाइयाँ दिखा रहे हो, थोड़ी अच्छी और मुलायम रजाई दिखाइए। मैडम जी, ये देखिए, ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी रजाइयाँ हैं। हाँ, ये वाली काफी अच्छी है। एक काम करो, ये 5 रजाइयाँ दे दीजिए। मम्मी मम्मी, आप ये इतनी सारी रजाइयाँ क्यों ले रही हो, हमारे पास तो ऑलरेडी रजाई है ना। रोहन बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए मैं इतनी सारी रजाइयाँ ले रही हूँ, ताकि जब एक रजाई को ओढ़ कर हम लोग बोर हो जाएं, तो हम न्यू रजाई ओढ़ लें। निमी की बात सुन निमी के घर में काम कर रही नौकरानी शालू सोचती है, ये अमीर लोगों की भी जिंदगी कितनी अच्छी होती है, इनके पास इतनी सारी रजाई होती है, और एक हम गरीब है जो फटी पुरानी इकलौती रजाई में ना जाने कितनी सर्दियों का मौसम गुजार लेते हैं। शालू मन ही मन अपनी गरीबी के बारे में सोचती है और सारे काम खत्म कर अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे ठंड में कपकपाते हुए रो रहे हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, आपने धूप में फटी हुई रजाई रखी थी ना, आपके जाने के बाद अचानक बारिश हो गई और सारी की सारी रजाई भीग के खराब हो गई। अब हम लोग क्या ओढ़ेंगे? हे भगवान, ये तो सारे अत्याचार हम गरीबों पर ही क्यों करती हो? ठंड में ये फटी हुई रजाई ही हमारा इकलौता सहारा थी, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, इनके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। शालू, भगवान को कोसने से क्या होगा, इन सब का कारण तो मैं हूँ, अगर मैं ठीक होता तो आज तुम्हें और बच्चों को इतना दुख दर्द नहीं देखना पड़ता। शालू का पति अमर का आधा शरीर पैरालाइज होता है, जिसके चलते वो कुछ काम नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से शालू को ही नौकरानी का काम करके अपने घर का गुजारा चलाना पड़ता था। बच्चों, तुम यहीं बैठो, मैं कहीं न कहीं से कुछ इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर शालू बाहर मंडी की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि काफी सारे सब्जी वाले बैठे हैं, जिनके पास बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं। भाई साहब, ये सब्जी का बोरा कितने रुपए का है? अरे, यह तो हमारे किसी भी काम का नहीं है, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे ले सकती हैं। शालू सब्जी वाले से बोरे ले आती है और उन्हें आपस में सिलकर उनकी एक चादर बना देती है और अपने बच्चों और पति को उड़ा देती है। माँ, ये तो बहुत चुभ रहा है। हाँ बच्चों, लेकिन अब इस सर्दी से बचने का यही हमारे पास इकलौता सहारा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिन गुजरने के साथ साथ ठंडी का मौसम भी बढ़ता रहता है। अरे ओ महारानी, अभी तक तेरे कपड़े धुले क्या? मालकिन, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, ठंडे पानी में काम करने की वजह से मेरे हाथ पूरी तरह सूज गए हैं, क्या मैं थोड़ा गर्म पानी कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को कपड़े धोने के लिए गर्म पानी चाहिए, गीजर का जो बिल आएगा उसे कौन भरेगा तेरा बाप? चुपचाप से ठंडे पानी में कपड़े धो, अगर ज्यादा चपर चपर की ना तो इस महीने की तनख्वाह तुझे अगले महीने दूंगी। अपनी मालकिन की बात सुन शालू डर जाती है और बेचारी शालू को अपने सूजे हुए हाथों के साथ ही ठंडे पानी में काम करना पड़ता है, जिसके बाद शालू जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति अमर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, इनका बदन तो बिल्कुल आग की तरह तप रहा है, इन्हें मैं अकेले छोड़कर कैसे जाऊंगी, और अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन मेरी 2 दिन की तनख्वाह काट लेंगी। माँ, आप फिक्र मत करो, आपकी जगह मैं काम पर चली जाऊंगी। लेकिन बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, तू काम कैसे करेगी? कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूंगी, आपको देख देख कर मैं सब सीख गई हूँ। जिसके बाद अगले दिन कोमल अपनी माँ की जगह काम पर जाती है। एक इन नौकरों के बहाने खत्म नहीं होते हैं, तुझे पता है ना घर के क्या क्या काम होते हैं, अगर कोई भी चीज टूटी फूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिक्र मत करिए, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर 6 साल की कोमल घर के सारे काम करने लगती है। तभी कोमल देखती है, प्रिया, ये वाली रजाई कितनी ज्यादा गर्म है ना, अब से मैं यही रजाई ओढ़ूंगा, इस रजाई में ये मूंगफली गजक और लड्डू खाने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है ना। हाँ भैया, और आपको पता है इस बार मम्मी मुझे क्रिसमस पर नए कपड़े भी दिलवाएंगी। अपनी उम्र के रोहन और प्रिया को देखकर कोमल का भी मन गजक मूंगफली और लड्डू खाने का मन करता है और वो रोहन प्रिया के पास जाती है। सुनो, मुझे भी मूंगफली और लड्डू खाने को दो ना, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। छी, तुम कितनी गंदी हो, दूर जाओ, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी रजाई को छूने की? क्या हुआ रोहन बेटा? माँ देखो ना, ये हमसे हमारे खाने की चीज मांग रही है और हमारी रजाई को भी छू रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बच्चों की रजाई को छुआ, चल भाग यहाँ से, आई बड़ी मेरे बच्चों का खाने वाली। निमी और उसके बच्चों की बात सुनकर कोमल रोती हुई वहाँ से चली जाती है और घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताती है।
माँ मुझे भी नए कपड़े चाहिए और रजाई भी, ये बोरा बहुत चुभता है। बच्चों मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ बच्चों, लेकिन तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हें क्रिसमस पर नए कपड़े दिला सके। अपनी माँ को माफ कर देना मेरे बच्चों। इतना कहकर शालू अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। बढ़ती ठंड की वजह से निमी और उसके बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है, जिसके चलते वो सभी लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं। मालकिन आप सभी लोग तो बहुत बीमार पड़ गए हैं। हमारे गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो हम उसे काढ़ा बनाकर पिलाते थे। मैं आप लोगों के लिए वो काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उसे पीकर आप लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। डॉक्टर की दी हुई महंगी दवाइयाँ से तो हम ठीक नहीं हुए, और तुझ गवार गरीब की दे हुए काढ़े से हम लोग ठीक हो जाएंगे। मालकिन एक बार आप काढ़ा पीकर तो देखिए, देखना आप लोग दो दिनों के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शालू देसी तरीके से काढ़ा बनाती है और अपनी मालकिन और उसके बच्चों को पिलाती है, और जब तक वो सब ठीक नहीं हो जाते उनकी दिन रात सेवा करती है। मैंने शालू के साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन इसके बावजूद भी आज वो मेरा और मेरे बच्चों का कितना ख्याल रख रही है। हम लोग दिन भर हीटर के सामने गर्म कपड़े पहने और रजाई के अंदर बैठे रहते हैं, तब भी हम लोग बीमार पड़ गए, और बेचारी शालू के शरीर पर तो एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। मुझे तो अपने किए पर पछतावा हो रहा है। वैसे ये शालू गई कहाँ? आज तो उसकी सैलरी देनी थी और आज ही ये जल्दी घर चली गई। कल क्रिसमस है, एक काम करती हूँ, शालू और उसके बच्चों के लिए कुछ सामान ले लेती हूँ और उसकी सैलरी देने उसके घर चली जाती हूँ, वो और उसका परिवार वाले खुश हो जाएंगे। निम्मी शालू और उसके बच्चों के लिए काफी सारा सामान लेती है और उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन निम्मी जैसे ही शालू के घर जाती है तो देखती है कि उसका पति पैरालाइज की हालत पर ठंड में कपकपा रहा है। शालू के दोनों बच्चे बोरा ओढ़े कोने में बैठे हैं और बेचारी शालू खांसते हुए चूल्हे पर खाना बना रही है। शालू, मालकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारे परिवार वालों की ऐसी हालत है, तुम्हारा पति ठंड में कांप रहा है, तुम्हारे बच्चों ने बोरे ओढ़ रखे हैं, तुम इतनी ठंड में गरीबी में कैसे रह रही हो? ये तो हम गरीबों की किस्मत में लिखा है। खैर छोड़िए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शालू, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ये गर्म कपड़े और ये रजाई लेकर आई हूँ। कल क्रिसमस है ना, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तोहफा क्या ही होगा। और ये लो तुम्हारी तनख्वाह। शालू, मैंने तुम्हारे साथ आज तक जैसा भी बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप कहाँ और मैं कहाँ? आपने हम गरीबों के लिए इतनी दरियादिली रखी, यही हम गरीबों के लिए काफी है। आपके एहसान को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। शालू की बात सुन निम्मी शालू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद निम्मी शालू की सैलरी और बढ़ा देती है, जिससे शालू की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लगती है। वहीं अब शालू और उसका परिवार सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनता है और अच्छी रजाई ओढ़ते हैं। गरीब दर्जी सास ने सिला पांच बहू का कंबल। हट यहाँ से, मैं यहाँ बैठूंगी। नहीं नहीं, यहाँ मैं बैठूंगी, तू कब से चूल्हे के पास बैठी हुई है, अब मेरी बारी है। ओहो, महारानी सुबह से आराम कर रही है और ठंडे पानी में काम मैं कर रही हूँ, फिर भी चूल्हे के पास इन्हें बैठना है। तो मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मुझे ठंड नहीं लगती? अपनी दोनों बहू अंकिता और वैशाली की लड़ने की आवाज सुन करुणा देवी और उसकी बाकी की तीनों बहुएं वहाँ आ जाती हैं। क्या हुआ तुम दोनों को, क्यों लड़ रही हो? माँ जी देखिए ना, सुबह से ठंडे पानी में काम मैं कर रही हूँ और चूल्हे के पास इसे बैठकर हाथ पैर सीखने हैं। माँ जी आप तो जानते हो ना कि मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो चूल्हे की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है, इसे या मुझे? ठंड शुरू ही नहीं कि तुम दोनों का लड़ना शुरू हो गया, इस चूल्हे के पास कोई भी नहीं बैठेगा, जाकर अपने अपने काम करो वरना तुम सबको अकल ठिकाने लगा दूंगी। अपनी सास की बात सुन बहुएं चुपचाप से वहां से चली जाती हैं और अपने अपने गांवों में लग जाती हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और इसी के साथ शुरू हो चुकी थी कड़ाके की सर्दी। चारों तरफ सर्दी का माहौल और ठंडी ठंडी हवाएं होती है। करुणा देवी अपनी पांच बहू के साथ एक छोटे से घर में रहती है। करुणा देवी दर्जी का काम करती थी, जो लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर अपने घर का खर्च चलाती थी। वहीं करुणा देवी के पांचों बेटे अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे। अच्छा हुआ आप मुझे घर पर ही मिल गई, सुबह से दो चक्कर लगा चुकी हूँ आपके घर के, लेकिन आप हो कि हमेशा गायब रहती हो। अरे नहीं नहीं मुन्नी बेटा, वो सविता बहन जी के कुछ कपड़े सिले थे तो वही देने के लिए गई थी। तू बता तेरा आना कैसे हुआ यहाँ? काकी ये देखिए ना, कल दोनों बच्चों ने खेल खेल में कंबल को बीच में से फाड़ दिया था। आप इसे जल्दी से सीकर दे दीजिए, वरना दोनों बिना कंबल के घर में उधम मचा देंगे। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में कंबल सिलकर तेरे घर भिजवा देती हूँ।
करुणा देवी अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर उसे फटे हुए कंबल को सिल ही रही होती है कि तभी उसे फिर से अपनी बहुओं की लड़ने की आवाज आती है, जिसे वो सुन भागी भागी अपनी बहुओं के पास जाती है और देखती है कि शॉल तो मैं ही ओढूंगी, ऐसे किसी शॉल को ओढ़ने की बारी अब मेरी है। नहीं, इसे ओढ़ने की बारी मेरी है, मैं तुम सबकी जेठानी हूँ, ये शॉल तो मुझे ही मिलनी चाहिए। जेठानी हुई तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सभी चीजों पर हक तुम्हारा होगा। ला ये शॉल मुझे दे। पांचों बहुएं शॉल को अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जिसके चलते खींचतानी में वो शॉल फट जाती है और पांचों बहुओं के हाथ में शॉल का एक एक टुकड़ा आता है, जिसे देख करुणा देवी आग बबूला होकर कहती है, करमचलियों ये शॉल मुझे तुम्हारे ससुर जी ने दी थी, मेरे पास उनकी आखिरी निशानी रह गई थी, लेकिन तुम पांचों ने इस शॉल को फाड़ दिया। मजी आप देखी ना बाहर कितनी तगड़ी सर्दी है, चारों तरफ ओस ही ओस है, ऐसे में हम पांचों बिना शॉल कंबल के कैसे रहेंगे। हाँ माँ जी, हम भी पांचों इस रोज रोज की लड़ाइयों से थक चुके हैं, लेकिन ठंड के कहर की वजह से हमें मजबूरन ठंड से बचने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। अपनी बहू की बात सुन करुणा देवी कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है और अपनी पुराने संदूक को खोलकर उसमें से एक बहुत पुराना कंबल निकालती है। बहुओं, ओ बहुओं, इधर तो आना जरा। जी माँ जी, बोलिए। अब तुम पांचों को ठंड में ना ही तो शॉल के लिए लड़ना पड़ेगा और ना ही हाथ पैर सीखने के लिए। ये लो, तुम पांचों इस कंबल को ओढ़कर आराम से सोना। आखिरकार इस सर्दी से राहत तो मिली। दिन से रात होती है और पांचों बहुएं कंबल ओढ़कर सो जाती हैं, लेकिन कंबल की जगह जगह से फटने की वजह से हवा कंबल से आसानी से अंदर बाहर हो रही थी, जिसके चलते इस कंबल में से तो आसानी से हवा अंदर बाहर हो रही है, मेरे पैर तो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। अरे वैशाली, थोड़ी कंबल दो ना इधर, पूरी कंबल तो तुमने अपनी तरफ ही कर ली है। अरे मैंने नहीं, संकिता ने सारी कंबल अपनी तरफ ले रखी है, देखो जरा। अरे मैं तो बिल्कुल बिना कंबल की सो रही हूँ। रात में भी तुम लोगों को चैन नहीं है, इतनी मुश्किल से नींद लगी थी, क्या हुआ तुम लोगों को। देखिए ना माँ जी, इन लोगों ने सारी की सारी कंबल ले ली है, एक तो कंबल फटी हुई है, ऊपर से ढंग से ओढ़ने को भी नहीं मिल रही है। कंबल हमने नहीं बल्कि संकिता ने ले ली है। और नहीं तो क्या करूं, एक तो इतना छोटा कंबल ऊपर से फटा हुआ है, ऐसे में हम लोग कैसे सोएंगे। करुणा देवी अपनी बहुओं की बातों को सुनकर कुछ नहीं कहती और सुबह होते ही उस पुरानी फटी कंबल को लेकर सिलने लगती है। कंबल सिलने के बाद कंबल के अंदर से हवा आनी जानी तो बंद हो जाती है, लेकिन पांचों बहुओं को एक ही कंबल में सोने में काफी परेशानी आती है, जिससे उन पांचों में हमेशा कंबल के लिए अनबन बनी रहती है। रात में तो पूरा का पूरा कंबल लेकर सो जाती है, ऊपर से दिन में भी इसके हाथों से कंबल नहीं छूटती। अगर इतना ही कंबल ओढ़ने का शौक है ना तो अपने मायके से मंगवा ले, एक तो एक कंबल है, ऊपर से तुम चारों के साथ इसे बांटना पड़ता है। ऐसी कंबल के लिए रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि हम लोग बिना कंबल के ही सो जाए। दूर खड़ी करुणा देवी अपनी बहू की ऐसी बातें सुन और उन्हें ठंड में ऐसे तड़पता देख करुणा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहुओं को उनके लिए अलग अलग कंबल दूंगी, ताकि जिससे मेरी पांचों बहुएं इस ठंड भरे मौसम में चैन की नींद सो सके और इस सर्दी से बच सके। इतना कहकर करुणा देवी अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और दिन रात लोगों के कपड़े कंबल चादर सिलती रहती है। माँ जी, आप सुबह से सिलाई कर रही हैं, देखिए चार बज चुके हैं और आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। ठंड में इतनी देर बैठकर काम करेंगी तो आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम लोग आराम कर लो, सुबह से ठंडे पानी में काम करके थक गई होंगी ना, तुम्हें ठंड भी लग रही होगी। अपनी सास को दिन रात ठंड में कप कपाते हुए सिलाई करता देख पांचों बहुओं को कुछ समझ नहीं आता। इसी के साथ अपनी सास की ऐसी हालत देख पांचों बहुओं को काफी बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं कर पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सुबह सुबह माँ जी कहाँ चली गई, 11 बज गए हैं अभी तक माँ जी आई ही नहीं। हमारी रोज रोज की खिटपिट और लड़ाई की वजह से माँ जी परेशान होकर घर छोड़कर तो नहीं चली गई। ऐसा नहीं हो सकता, माँ जी हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, लगता है वो कहीं बाहर गई होंगी, अभी आती ही होंगी। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन करुणा देवी अभी तक घर नहीं आती, जिसके चलते पांचों बहुएं अपनी सास की फिक्र में डूबी रहती हैं। मुझे तो माँ जी की फिक्र हो रही है, एक तो सर्दी का मौसम है, अंधेरा भी जल्दी से हो जाता है, ऊपर से ये सर्दी, माँ जी के पास तो कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। माँ जी हमें सच में छोड़कर चली गई, हम लोग पागलों की तरह रोज कंबल के लिए लड़ते थे, इसलिए माँ जी हमसे परेशान होकर चली गई। मैं अपनी बहुओं को छोड़कर कहाँ जाऊंगी। माँ जी आप कहाँ थी, आप हमें ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी। मैं तुम पांचों के लिए कुछ लाने के लिए गई थी, ये देखो। इसमें क्या है माँ जी, खुद ही खोल कर देख लो, पता चल जाएगा। करुणा देवी की पांचों बहुएं जैसे ही उसके लाए हुए थैलों को खोलकर देखती हैं तो देखती ही हैरान रह जाती हैं। इसमें
इसके अंदर तो कंबल है, वो भी एक नहीं पांच पांच। हाँ बहू, इस सर्दी के मौसम में मैं रोज रोज तुम पांचों को ठंड में तड़पता देखती थी। तुम पांचों को ऐसे देख मेरा कलेजा मानो फट जाता था, इसलिए मैंने तुम पांचों के लिए ये कंबल खरीदा। इसका मतलब आप जो दिन रात ठंड में बैठकर कपड़े सिला करती थी वो सब हमारे कंबलों के लिए था? माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों की वजह से आपको ठंड में दिन रात मेहनत करनी पड़ी। हमें माफ कर दीजिए, हम तो भूल ही गए थे कि आपको भी हमारी तरह सर्दी लगती होगी। इस सब के बावजूद भी आपने हम सबके लिए मेहनत की। अपनी पांचों बहुओं की आंखों में आंसू देख करुणा देवी कहती है, ऐसे रो मत, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। अब देखो, अब तुम सबको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और तुम सब आराम से सर्दी के मौसम में रहोगे। पांचों बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुएं अपनी अपनी कंबल में आराम से सर्दी के मौसम में सोती हैं और पांचों बहुओं के बीच का मन मुटाव भी खत्म हो जाता है।